हाय, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पर एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं एक दूसरे से पैरेलल, जैसे मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं। मीडियम से आपके मीडियम वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, नेक्स्ट म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, एंड फाइनली एक्सपोज वापस आप उसी मीडियम में आते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था, यानी दी लास्ट मीडियम इज सेम एज दी फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन। एक लाइट रे हम कंसीडर करते हैं जो कि फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट है एट एन एंगल थीटा 1। यहां पे मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है थीटा 2। अब रियलाइज करेंगे कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दिस विल बी सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द नेक्स्ट बाउंड्री। सिमिलरली यहां पे जो आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट विल बी सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द नेक्स्ट बाउंड्री एट सो। ये ऐसा है बिकॉज सारी जो सर्फेसिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स उनकी नॉर्मल जो है वो भी पैरेलल है। दैट मीन्स अगर ये एंगल थीटा 2 है ये एंगल भी थीटा 2 होगा एंड सो। तो पहली चीज हमने देखी यहाँ पे कि क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस पैरेलल है दैट मीन्स नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगी। इसका यूज करके हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर अब हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हमारे पास एक चेन बन जाएगी। देखिए यहां पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएं तो आप बोलेंगे म्यू वन साइन थीटा 1 इक्वल्स म्यू टू साइन थीटा 2, जबकि यहां पे लगाएं तो आप बोलेंगे म्यू टू साइन थीटा 2 इक्वल्स म्यू थ्री साइन थीटा 3। ऑब्वियसली आपने पैटर्न नोटिस कर लिया होगा, आपके पास एक चेन आ जाएगी, आपके पास इक्वेशन आएगी म्यू वन साइन थीटा 1 इक्वल्स ऑल दीज अदर वैल्यूज अप टू से म्यू फोर साइन थीटा 4। और फिर आप नोटिस करेंगे फाइनली ये वापस मीडियम 1 में ही आ रहा है, तो वंस अगेन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू 1 हो जाएगा, दैट मींस एंगल फिर से आपका नॉर्मल के साथ थीटा 1 हो जाएगा। सो फाइनली फिर से आपके पास आ जाएगा म्यू 1 sin थीटा 1। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल, हमारे पास एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कर रहा है कॉन्स्टेंटली है। मान लीजिए स्लैब की विड्थ है डब्ल्यू, ये आपकी स्लैब है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्लैब की बाउंड्री है। स्लैब पे एक पॉइंट को हमने मार्क किया हुआ है ओरिजिन ओ, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है विद वाई कोऑर्डिनेट। इनफैक्ट आपको फंक्शन गिवन है म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y। आपको ये भी गिवन है कि एक लाइट रे इस स्लैब पे इंसिडेंट है एट द ओरिजिन ओ, और इस तरीके से इंसिडेंट है कि जो इंसिडेंस है ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस है। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दिस इज ऑलमोस्ट ग्रेजिंग, तो ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है कि ये लाइट रे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इंसिडेंस सरफेस है उसके ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। तो अगर सरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल होगी दैट मींस यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल से इसका एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 पे तो एकदम पास कर जाएगी, यहाँ पे आगे मीडियम के अंदर जाएगी एंटर ही नहीं करेगी। तो 90 से थोड़ा सा कम ऑलमोस्ट 90 है, सो इसलिए हम बोल रहे हैं ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो अब ये जो लाइट रे यहाँ पे एंटर की, बिकॉज हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के साथ इंक्रीज करने वाला है। हमें पता है जब भी आपका रिफ्रैक्शन होता है रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ रोटेट करती है। अब यहाँ पे नॉर्मल है आपका वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ लाइट रे रोटेट करेगी। जैसे जैसे आप लाइट रे जो है स्लैब में आगे बढ़ रही है नॉर्मल की तरफ अगर रोटेट करना है उसको, तो वो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, तो कुछ ऐसा रोटेट करेगी और कहीं ना कहीं से वो बाहर निकलेगी। उसको हम बोलते हैं लेट्स से पॉइंट ऑफ इमर्जेंस। क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि पॉइंट ऑफ इमर्जेंस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर आपको ये भी गिवन है कि इस ग्लास स्लैब की विड्थ है डब्ल्यू, अगर खुद से सॉल्व करना चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहली बात रियलाइज करिए कि क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वाई के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास इनफाइनाइट स्लैब्स हैं, पैरेलल स्लैब्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस dy। अगर ये पर्टिकुलर स्लैब मान लीजिए यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एज ए फंक्शन ऑफ y। तो इसलिए बोल रहा हूँ इसकी थिकनेस हम dy इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो ये वैल्यू जो है म्यू एट ए पर्टिकुलर y ये वैलिड रहेगी केवल एक छोटी सी थिकनेस dy के लिए। नेक्स्ट स्लैब पे चेंज हो जाएगा, उससे नेक्स्ट स्लैब पे चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसी इनफाइनाइट स्लैब्स हैं, सारी स्लैब जो है उनके लिए देख सकते हैं बाउंड्रीज हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल जो है वर्टिकल होंगे। ऐसी एक स्लैब की बाउंड्री और नॉर्मल में दिखा रहा हूं जो कि है पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पे, कोई एक जनरल पॉइंट हमने दे दिया पी एक्स कॉमा वाई। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल की तरफ रोटेट कर रही होगी। तो मान लीजिए यहां पे अगर एंगल था 90 डिग्री तो इस पॉइंट पे कुछ एंगल होगा समथिंग लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल निकालने के लिए पहले हम ऐसे करते हैं
इस पॉइंट पे लाइट रे के पाथ पे जो जनरल पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड में शो किया आपको। टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं टेंजेंट का एंगल आता है आपका एक्स एक्सिस के साथ थीटा, दैट मींस वर्टिकल एक्सिस के साथ यानी कि नॉर्मल के साथ इसका एंगल आएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब हम यूज कर सकते हैं स्नेल्स लॉ फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस। आपको याद होगा पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस में जब स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो एक चेन बन जाती है, फर्स्ट बाउंड्री पे म्यू साइन थीटा इक्वल सेकंड बाउंड्री पे म्यू साइन थीटा इक्वल थर्ड बाउंड्री पे म्यू साइन थीटा एंड सो ऑन। यहां पे भी ऐसी चेन बन जाएगी, तो हम उस चेन में से केवल फर्स्ट टर्म और इस बाउंड्री पे जो टर्म आने वाली है उन दोनों को इक्वेट करते हैं। फर्स्ट टर्म से मेरा मतलब है यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिवनेस है एयर में 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 90 डिग्री। इस बाउंड्री पे आप देखेंगे इस पॉइंट पी पे, जनरल पॉइंट पी पे आपका जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई, और इस पॉइंट पे हमने माना हुआ है एंगल नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा, व्हिच मींस स्नेल्स लॉ से हम बोल सकते हैं 1 × sin 90 म्यू साइन थीटा यहाँ पे इक्वल्स म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू साइन थीटा इन स्नेल्स लॉ एट दैट जनरल बाउंड्री। इसमें आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, व्हिच मींस यू गेट कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स 1 बाय म्यू। म्यू को लिख दीजिए एज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 1 बाय रूट 1 प्लस वाई। कॉस थीटा अगर आपके पास आ गया तो अब हम ये कर सकते हैं कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था इसका जो स्लोप है दैट मींस टैन थीटा, उसको लिख सकते हैं डीवाई बाय डीएक्स। उसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास इस लाइट रे का यानी कि पाथ का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, लिखते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan theta। देखिए tan theta आप निकाल सकते हैं बिकॉज वहां पे आपको cos theta पता है, और cos theta आपको पता होता है एक राइट ट्राइंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो उसी ट्राइंगल में हम tan theta which is perpendicular by base वो भी निकाल सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। tan theta is perpendicular by base, आप देखेंगे tan theta की वैल्यू आएगी रूट वाई। इक्वेशन जो है लाइट रे की इक्वेशन के टर्म्स में बोल सकते हैं क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ dy by dx। इसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए। देखिए जिस पॉइंट पे लाइट रे इमर्ज करने वाली है हमें पता है उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तो w हो जाएगा व्हिच इज इक्वल टू द विड्थ। x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x नॉट, तो लिमिट जब आप लगाएंगे तो y की होगी 0 टू w और x की होगी 0 टू x नॉट। आप देख सकते हैं सॉल्व करके आ जाएगा x नॉट इक्वल्स 2√w। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल JEE फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियोस से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।